रुझान आने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मोदी जी की सरकार बन रही है, देश भारत से जो रुझान आ रहे हैं उससे तस्वीर साफ हो रही है। 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश में बीजेपी जीतेगी। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर कहा कि जनता का प्यार सामने आ रहा है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे चली तो मुझे इस बात का संतोष है और आनंद है कि पूर्ण बहुमत के साथ फिर सरकार माननीय मोदी जी की बन रही है और देश भर के जो रुझान आ रहे हैं और खास करके हम सब समझ सकते हैं कि जब तीसरी बार 15वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, 10 साल के कोई सरकार चले उसके बाद भी जनता उस पर विश्वास रखे और वही इतना बड़ा देश, इतनी विविधता वाला देश, इतनी विभिन्न प्रकार की आबादी, विभिन्न प्रकार की समस्याएँ, विभिन्न प्रकार के माहौल और विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना रही है। साथ ही साथ और संतोष की बात है, 29 की 29 मेरे पास अभी जो रुझान आए 29 ही लोकसभा में मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की जनता को प्रति माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित जी से सर, छिंदवाड़ा में नकुल नाथ भी 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। हमने तो पहले कहा था कि छिंदवाड़ा में हमको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। छिंदवाड़ा हमारे लिए खास करके कमलनाथ जैसे कि कांग्रेस से लड़े, हमने जो गड़बड़ी गड़बड़ी है और वो गड़बड़ी सबके सामने आई है। जनता का प्यार भाजपा के प्रति है, छिंदवाड़ा को।